नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से प्रिया की किचन में। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी, फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी। दोस्तों गर्मियों का मौसम है तो फ्रूट कस्टर्ड बनाना बनता है। चलो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है ये। यहाँ पर फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध। इसको बॉईल होने के लिए हम गैस में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा कप अलग से लिया है रूम टेम्परेचर वाला दूध। आप चाहो तो ठंडा दूध भी यहाँ पर ले सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर के, और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से दूध में मिला लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें कोई भी लम्स नहीं आने चाहिए हमारे। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने अच्छे से मिला लिया है और इसमें हमारे कोई भी लम्स नहीं पड़े। और यहाँ पर हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है, इसमें उबाल आ गया है। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बनाया हुआ है उसको मिलाते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि हमारे दूध में लम्स आ जाएंगे और हमारा फ्रूट कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। इससे थोड़ा थोड़ा करके मिला के और इसको बीच बीच में हम चलाते जाएंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है सारा, थोड़ा सा बचा है इसको भी हम दूध में डाल देंगे। और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को अब हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम में हम 4 से 5 मिनट इसको और पका लेंगे, इससे हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम चीनी। आप चाहो तो अपनी स्वाद के अनुसार भी चीनी डाल सकते हो, जैसा आपको मीठा पसंद हो कम ज़्यादा। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है और चीनी भी हमारी अच्छी से घुल गई है इसमें। और यहाँ पर हमने लिए कुछ फ्रूट, एक सेब, एक केला और एक अनार। और यहाँ पर लिए मैंने थोड़े से किशमिश, ये मैंने भिगो के रखे थे। और यहाँ पर हमारा दूध ठंडा हो चुका है एकदम, और हम इसमें थोड़े थोड़े करके फ्रूट मिला लेंगे। फ्रूट हमें ठंडे दूध में ही मिलाने हैं, ये तो हमारे फ्रूट काले पड़ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट मिला के इसको हम रख देंगे फ्रीज में 2 से 3 घंटे के लिए। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दोस्तों ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई करना गर्मियों में। यहाँ पर हमारे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने फ्रूट कस्टर्ड को फ्रीज से बाहर निकाल लिया है, देख सकते हो आप। दिखाती हूँ आपको चम्मच की मदद से, एकदम परफेक्ट फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार है हमारा।